वेलकम दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ है सेना भर्ती को लेकर। जो लेटेस्ट अपडेट आपको बताऊंगा, यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट जो 12 तारीख से है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, एग्जाम के बारे में, भर्तियों के बारे में, कब कब भर्ती हो सकती है, उससे के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देख सकते हो जी न्यूज़ पर स्पेशल न्यूज़ आई है कि आर्मी जॉब यानी कि सेना में 1 लाख से ज्यादा पद खाली। हमें सबको पता है कि यहाँ पे सेना में जो पद है बहुत सारे खाली हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भर्ती भी ज्यादा नहीं हुई और जिनकी भर्ती हुई उनका एग्जाम नहीं हुआ। तो ये नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना में खाली पड़े 1 लाख पदों की भर्ती जल्दी ही करवाई जाए। इनमें से 1 लाख पद की यानी कि सेना में, जबकि 9,000 अधिकारी भी। यहाँ पे बता दूं आपको कि सेना की जो अपनी जो ओआर की भर्ती नहीं, यहाँ पे अधिकारी पद की भी 9,000 जो पोस्ट खाली है। यानी कि आपके साथ नहीं हो रहा, ये अधिकारी गण तक भी ये जा रही है बात, ठीक है। उनके भी पद बहुत सारे खाली हैं। यहाँ पे बता दूं कि जुलाई से ये रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल में लिखित जवाब दिया है। यानी कि काफी बच्चों ने भी यहाँ से पूछा था कि हमारा जो एग्जाम नहीं हो रहा तो क्या करें इसके बारे में। तो यहाँ पे उनको ये उन्होंने उसी के जवाब दिया हुआ है कि जो खाली है इसकी जो भर्ती अब जल्दी ही करवाई जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो पूरी न्यूज आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से हम इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे ओनली आर्मी की नहीं, यानी कि नेवी, एयरफोर्स सबकी यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली है, लेकिन आर्मी की सबसे ज्यादा खाली है, क्योंकि 90,000 समथिंग यहाँ पे आर्मी की वैकेंसी खाली है। यानी कि अपने नेवी में 11,927 है और एयरफोर्स में 7,404 है, लेकिन सेना में बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली है। और अभी ये एग्जाम कब होगा, इसमें जहाँ पे देखा जा रहा है कि जो एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है, हो सकता है एग्जाम अभी जनवरी में ले, और हो सकता है कि नए साल में जो फ्रेश फिर से और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो एग्जाम लिया जाए और भर्ती भी करवाई जाए। तो ये न्यूज आई है जी न्यूज की तरफ, बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा, बड़े लेवल का ये चैनल है। तो यहाँ पे न्यूज आई है तो इसका मतलब हलचल तो कुछ है। हो सकता है आपकी जो जितनी भी भर्ती है 2022 में करवाई जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।